उत्तर प्रदेश के मेरठ दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के पहले खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला आज रखेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। अघोरनाथ मंदिर और शहीद स्मारक पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जाएंगे। साथ ही सरधना तहसील के सलावा में गंग नहर के किनारे इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा। 91.38 एकड़ में 700 करोड़ की लागत से खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में करीब 3 घंटे रुकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:30 बजे कैंट स्थित सेना के हेलीपैड पर उतरेंगे। हेलीपैड से सड़क मार्ग से वो शहीद स्मारक पहुंचेंगे। शहीद स्मारक से फिर वो अघोरनाथ मंदिर जाएंगे और उसके बाद में 12:44 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सलावा के लिए सेना के हेलीपैड से रवाना होते हुए दिखाई देंगे। दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे तक सलावा में खेल विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। वहां पर वो मौजूद रहेंगे। शिलान्यास समारोह में 32 खिलाड़ियों के साथ भी संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके बाद में जब ये सारे कार्यक्रम आयोजित हो जाएंगे तो दोपहर 2:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सलावा से दिल्ली के लिए रवाना होते हुए दिखाई देंगे। तो ये तमाम कार्यक्रम आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि वो खिलाड़ियों के साथ यहाँ पर संवाद करेंगे। 91.38 एकड़ में 700 करोड़ रुपए की लागत से पहले खेल विश्वविद्यालय का यहाँ पर शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाएगा। 11:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। उसके बाद में हेलीपैड से वो शहीद स्मारक पहुंचेंगे। शहीद स्मारक से वो अघोरनाथ मंदिर पहुंचेंगे। दोपहर 12:44 पर प्रधानमंत्री सलावा से सेना हेलीपैड के लिए यहाँ पर रवाना होंगे और उसके बाद में 2:30 बजे के आसपास यहाँ पर वो शिलान्यास करेंगे। और जो शिलान्यास समारोह है उस दौरान 32 खिलाड़ियों के साथ वो संवाद करेंगे। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी एहतेशाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। एहतेशाम, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे और फिलहाल क्या कुछ तैयारियां दिखाई दे रही है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेरठ आज जो दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि दौरा पूरी तरह से सियासी दौरा है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है उससे साफ तौर से जाहिर है कि बीजेपी तमाम अपनी योजनाओं अपने शिलान्यास को आचार संहिता से पहले रखना जनता के सामने पेश करना चाहती है ताकि आगामी चुनाव में उसका फायदा मिल सके। इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में लगातार प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है और आज खिलाड़ियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं मेरठ के प्रधानमंत्री। ऐसे में साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जो बीजेपी की पश्चिमी में थोड़ा सा किरकिरी हुई थी किसान आंदोलन को लेकर उसको ठीक करने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा मिल सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहाँ पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में काफी दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा था और मेरठ जिले के पश्चिम के जितने भी जिले हैं वहां पे कहीं ना कहीं किसान और ऑलरेडी मजबूत स्थिति में है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने खुद कमान संभाल रखी है पश्चिम की और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो सत्ता में बीजेपी की वापसी हो। ऐसे में आज का दौरा उनका काफी महत्वपूर्ण है और खिलाड़ियों से लेकर स्टेडियम तक के साथ और कई और गृह योजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे। जी बिल्कुल एहतेशाम, जिस तरीके से आपने बताया कि फिलहाल इसे सियासी दौरा कह सकते हैं, आमजन के लिए ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे यहाँ पर, वो तमाम सौगातें जो है तोहफा जो है वो मेरठ को देते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा आज वो जो शिलान्यास करेंगे उसके अलावा क्या कुछ कार्यक्रम रह सकते हैं एहतेशाम? देखिए, जो जितनी भी सरकार की योजनाएं और परियोजनाएं रहती हैं उसका वो शिलान्यास करते हैं। खास तौर से सरकार अपनी तमाम विकास कार्य योजनाओं को ये कोशिश करती है कि उसका उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री के हाथों करा लिया जाए, लेकिन अब बहुत ही आखिरी वक्त है और जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं हैं उसका शिलान्यास करेगी, लेकिन जो योजनाओं का शिलान्यास होता है वो तो सिर्फ चुनावी शिलान्यास होकर रह जाता है क्योंकि सरकार सत्ता में वापसी आती है तो उस पर कार्य होता है। अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो वो कार्य अधेरे में चला जाता है, लेकिन ये दौरा कहीं ना कहीं सियासी रहेगा और कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री अपनी स्पीच देंगे उसमें भी विपक्ष पर वो निशाना साधेंगे। बिल्कुल, तो पूरी तरह से ये दौरा सियासी कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 ठीक है।